हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर। आज ही हमारे पास एक एप्पल का मॉडल आया है जिसका मॉडल है A1278। प्रॉब्लम क्या है इसमें? वैसे तो ये सही चल रहा है, पर इसमें प्रॉब्लम जो आ रही है वो स्पीकर की आ रही है। अब आप देखोगे इसकी कैसी आवाज़ आ रही है, फटी फटी टाइप। तो इस कंडीशन में क्या होता है, स्पीकर फटे हुए होते हैं। स्पीकर जब फट जाते हैं, स्पीकर कब फटते हैं, जब या तो हम VLC पे डबल साउंड कर देते हैं या कुछ इसमें लग जाता है स्पीकर पे, तभी हमारे स्पीकर फटते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि ये स्पीकर हम कैसे रिपेयर करते हैं, इसके स्पीकर कैसे होते हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि इसके स्पीकर कैसे होते हैं, कैसे इनको हम चेंज करते हैं, चेंज करने में क्या क्या होता है, कितने इसमें स्पीकर होते हैं, ये सब हम इस वाइड वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। तो हम आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे खोल के हम कैसे इसको हम इसका स्पीकर चेंज करते हैं या इसमें स्पीकर कैसे होते हैं। यहाँ इसमें स्क्रू होते हैं, ये 4-5 स्क्रू हमने पहले ही इसके खोले हुए हैं। यहाँ से ये हमारा कवर खुल जाता है स्पीकर के। इसके लिए सबसे पहले हम बैटरी रिमूव करते हैं अपने लैपटॉप की। काम करने से पहले सबसे पहले हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि बैटरी को रिमूव कर लेना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, यार कुछ हटाते लगाते हैं तो हमारा इसमें कुछ भी शॉर्ट होने का चांस रहता है। तो आप ये देखोगे ये स्पीकर है और इसको आप देखोगे ये पूरा फटा हुआ स्पीकर है, आपको नजर आ रखा होगा। ये फिजिकल फटा हुआ है, फिजिकल खराब हो रखा है। इस प्रकार 1278 का कोई भी स्पीकर हो या कोई भी लैपटॉप में कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी भी एप्पल के किसी भी मॉडल में, आप सूरज कंप्यूटर को दिखा सकते हैं। चलो हम बताते हैं इसको हम कैसे चेंज कर। अभी जैसा कि आपने देखा था कि हमारा इस लैपटॉप का स्पीकर फटा हुआ था, तो अभी ये मेरा स्पीकर है जो कि फटा हुआ था। मैंने इसको पूरी तरह से खोल के बाहर निकाल दिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पूरे लैपटॉप को यहाँ से खोल दिया है और मेरा ये स्पीकर है जो यहाँ से फटा हुआ है, एक ये वाला फटा हुआ है। और दूसरा वाला तो परफेक्ट है, लेकिन जब भी हमें चेंज करना पड़ता है हमारा पैर में ही आता है। तो अभी हमने इसको मंगाया है, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये हमारा न्यू वाला स्पीकर है जो कि अभी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कहीं से कोई इशू नहीं है। ये है हमारा, तो अब अभी इसको इसमें लगाएंगे और उसके बाद मैं आपको उसका वॉइस टेस्ट कराता हूँ कि कैसा आ रहा है। अब मैं इसको इसमें फिक्स कर। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे टेक्नीशियन मैकबुक के स्पीकर को चेंज कर रहे हैं। मैकबुक के स्पीकर को चेंज करने के लिए एक्सपर्ट टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस लैपटॉप को हर कोई ठीक नहीं कर सकता है। सूरज कंप्यूटर्स दिल्ली NCR के उन चुनिंदा सर्विस सेंटर में से एक हैं जहां पर एप्पल के सारे लैपटॉप रिपेयर होते हैं। इस वीडियो में हमने आपको दिखाया कि इस लैपटॉप का एक स्पीकर खराब हुआ है और दूसरा बिल्कुल ठीक है, परंतु हमें पेयर ही रिप्लेस करना होगा क्योंकि ये सिंगल नहीं आता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके लैपटॉप के स्पीकर कभी ना खराब हों ना फटें, तो आपको एक बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप VLC प्लेयर में वीडियो चला रहे हैं तो उसकी आवाज़ 100% से ज़्यादा ना हो। स्पीकर अधिकतर उसी केस में खराब होते हैं जब आप VLC मीडिया प्लेयर में ऑडियो 200% पर यूज करते हैं। अभी मैंने इसको आप देख सकते हैं कि पूरा पैक कर दिया। हमारा एक स्पीकर यहाँ पर लग गया और एक इसके नीचे होता है, वो नीचे वाला लग गया। अब मैं इसको लगा के ऑन करता हूँ और देखते हैं कि हमारा जो साउंड की क्वालिटी आई है वो कैसी आई है। तो अब मैं इसको ऑन करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो वॉइस है वो बिल्कुल क्लियर आई है। तो देखते हैं कि अभी हमारी वॉइस कैसे आता है ऑन होने के बाद। मैं कोई मूव कर कोई गाना चलाता हूँ और देखता हूँ कि क्या आता है। मैं इस पे क्रोम पे जाता हूँ और कुछ चला के देखता हूँ। मैं इस पे कोई भी म्यूजिक प्ले कर देता हूँ तो उससे हमें पता लग जाएगा कि कैसे इसमें साउंड आ रही है, वॉइस आ रही है।
अभी आप सुन सकते हैं कि मेरी जो इसकी साउंड स्पीकर चेंज करने के बाद इसकी साउंड जो आ रही है वो बिल्कुल नहीं क्लियर आ रही है, कहीं से कुछ फटी हुई नहीं आ रही है, बहुत ही साफ क्लियर इतने साउंड आ रही है। तो अभी हमारा ये स्पीकर चेंज करने के बाद सक्सेसफुल काम हो गया है और हम इसको पूरी तरह से पैक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ये हमारा पैक नहीं है, अभी ये हमारा खुला हुआ बैक साइड से, तो इसको पूरा पैक करेंगे और पैक करने के बाद इसे डिलीवर करेंगे।